देखो पहले तो तुम प्रोडक्ट बनाना सीख लो, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास, ऐसा कुछ रिएक्टेंट है, आवाज आ रही है ना आकांक्षा? हाँ सर, आ रही है। हाँ, अगर मान लो ऐसा कोई हमारे पास अल्कीन है और ये रिएजेंट याद रख लो, ये O3 जिंक एंड H2, ऐसा कोई रिएजेंट है अपने पास, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं पहले ये सीख लो। तो देखो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और हाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा। जहां पे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हट के वहां डबल बॉन्ड O लग जाता है। ठीक है हाँ ना। अच्छा, अगर यहां पे जिंक नहीं यूज किया, O3 और H2O2 ऐसे यूज कर लिया, या O3 या H2O यूज कर लिया, ठीक है, तो हाँ ये जो तुम्हारा बना है ना CHO, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर तुमने जिंक नहीं यूज किया। तो देखो इन जनरल पता है क्या होता है कि अगर तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको ऑक्सीडाइज करते हो ना, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अच्छा और अगर तुम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो एसिड बन जाता है, समझा। हाँ, पर जिंक के रहने से क्या हो रहा है? बताऊंगा ना, अभी प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हो ना, क्या हो रहा है बाद में बताऊंगा। अभी प्रोडक्ट बनाना है, अगर जिंक है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड हट के O लग जाएगा, ठीक है। और जिंक नहीं है तो एल्डिहाइड के बाद फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो CH3। इवन तुम O3 भी लोगे ना तो सेम ही चीज होने वाली है, समझा। हाँ O3 बेसिकली भी कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, समझ रहा ना। ऑक्सीडाइजिंग की मतलब अभी आपने बताया ना, वो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जा हाँ, रहा है। हाँ तो O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ना, ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब हमें ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर से क्या हमेशा ऑक्सीडेशन होता है आकांक्षा? नहीं, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये वैसे जो भी देख ऊपर सकते हैं। लिखा, जो लिखा कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है या एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला क्या? नहीं, इसमें तो ऑक्सीजन वो ऐड हो रहा है, इसके लिए लिख रहे हैं ना। हाँ, तो वही बात तो यहाँ पे भी हो रही है ना, तो उसमें तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से आ गया? हाँ सीमी डिस्कशन कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन नंबर आपको कभी नहीं निकालना है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मतलब एसिड। उल्टा चलोगे, रिडक्शन करोगे अगर एसिड का तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, समझा। ठीक है, तो हाँ सर इन शॉर्ट तुमने क्या सीखा कि अगर जिंक रहेगा तो एल्डिहाइड पे रुक जाता है, और अगर जिंक नहीं है तो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, हाँ ठीक है ना। नोट कर लिया ये? अच्छा, हाँ अगर नोट कर लिया तो जरा इसका प्रोडक्ट बना के बताओ ना क्या होगा। सर, मतलब अभी वो रीजन नहीं बताने वाले हैं कि इसके बाद अब नहीं, बताएंगे? अभी अभी रीजन थोड़ी देर में बताऊंगा, इसके प्रोडक्ट बनाओ क्या बन रहे।
इनके प्रोडक्ट बताओ ना क्या बनेंगे। हाँ सर, अभी फर्स्ट वाला बनाया, सेकंड कर रही हूँ। सर ये थर्ड वाले में तो बीच में है ये, तो फिर अभी कैसे होगा? सोचो ना, बीच वाले किनारा ऐसा कुछ थोड़ी सीखा हम लोगों ने। बीच वाला किनारे ऐसे ये सब थोड़ी सीखा है। अच्छा ठीक है, मैं बनाती हूँ जो समझ आ रहा है। हाँ सर, बना लिया। हाँ यहाँ यहाँ से तोड़ा है ना। हाँ सही है। हाँ ठीक है। हाँ सर। नहीं, मैंने ये 6 बार लिखा, लेकिन हाँ ठीक है ना, फाइनली यही बनना है ना। इसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोजेल है ना। लेकिन ये 3 बार होगा कि 6 बार होगा? देख लो अच्छे से, 3 बार होगा कि 6 बार होगा। तीन बार होगा। ठीक है ना। हाँ ठीक है। हाँ सर। ठीक।
अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये पेपर में वैसा प्रोडक्ट ही पूछा जाता है, मैकेनिज्म कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तब भी देख लो कैसे होता है। मान लो इससे तुमने O3 रिएक्ट करवाया, ठीक है, एल कितने है? देखो ये इंटरमीडिएट बना, ठीक है, अच्छा मतलब डबल बॉन्ड टूट जा रहा है और फिर ये ओ इस पैटर्न में अटैच हो जाएगा। हाँ देखो फिर ये ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है ना या थोड़ा बैलेंस है, या पूरा फोर्स नीचे की ओर शिफ्टेड था या ऊपर नीचे दोनों ही शिफ्टेड हो गया ना। हाँ क्लियर है यहाँ तक? पर ऐसे ही देखना है क्या कि वो ऊपर नीचे बैलेंस हो गया ऐसा सब? हाँ ऐसे ही देखना है, कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम ही लगता है ना, ठीक है, मतलब लेकिन इसमें ऊपर की तरफ ज्यादा है ना ऐसे नहीं? हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो तुम रफली अगर तोड़ोगी, जैसे यहां पे मैं रफ दिखाता हूं, तो मैं रफ वॉक करता हूं, तो इन दोनों ओ में तोड़ तुम कैसे तोड़ना चाहती हो? तुम अपने मन से बताओ तुम्हें कैसे तोड़ने का मन है बॉन्ड, कैसे तोड़ना है, मतलब हीट दे के तोड़ना या ऐसा वो पूछ रहा है? नहीं मतलब अगर ये ओ बॉन्ड टूटेगा तो किस पे क्या चार्ज आएगा? ये दोनों ही तो सेम है ना, तो कोई चार्ज आने का नहीं मतलब बनता है इसमें तो। हाँ तो कैसे तोड़ोगे? फ्री रेडिकल के फॉर्म में? ठीक है तो रेडिकल के फॉर्म में ये तोड़ा, कैसा बन गया? हाँ ये भी वैसे ही तो टूटेगा क्या? इसमें लेकिन सी पे प्लस और ओ पे नेगेटिव आ जाएगा ना, तो फिर ये कैसे टूट रहा होगा? ये जो सी और ओ वाला है। हाँ ये प्लस, ये तो इस पे प्लस आ रहा है, इस पे माइनस आ रहा है ना, हाँ तो पक्का बॉन्ड बनने के लिए इस पे माइनस और इस पे प्लस आना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन वो और वो सेम है तो फिर तुम एक बार अपनी नोटबुक में तोड़ के कोशिश करो ना, देखो क्या हो रहा है, एक कंक्लूजन पे पहुंचो, बताओ कि क्या हो रहा होगा।
सर मुझे लगता है कि वो जो है वो रेडिकल के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि वो दूसरे वाले सी पे भी प्लस मतलब आ जाएगा, तो फिर इसमें माइनस आना चाहिए ना वो पे, तो दोनों मतलब नहीं हो सकता। हाँ तो फिर कैसे होगा बताओ? वही रेडिकल ही रहेगा वो पे मतलब, और जो ऊपर वाला हुआ है उस पे माइनस और दोनों सी पे प्लस प्लस। तो फिर रेडिकल और प्लस में बॉन्ड कैसे बनेगा? ये बॉन्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन है ना, तो रिपल्सन हो रहा होगा ना बहुत ज्यादा, तो वो तो टूटेगा ही। तुमको तो फाइनल प्रोडक्ट भी पता है ना कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? इसका फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनता है ना। यही से तोड़ोगे ना तुम? हाँ कैसे टूट रहा होगा बताओ? बोलो। वही सर मतलब वही मैं सोच रही हूँ कि अगर एक के इसमें प्लस दे के दूसरे में नेगेटिव दे देंगे, लेकिन दूसरे वाले में फिर से वही प्रॉब्लम हो जा रही है। नहीं प्रॉब्लम हो रही है, देखो बताता तो हूँ। देखो ऐसे टूटे गए हैं, और एक पूरा ऑक्सीजन बच जाएगा। ये न्यूट्रल हो गया क्योंकि दोनों से इसको प्लस माइनस दोनों मिल गया। अब ये माइनस प्लस बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया तुम्हारा। हाँ अब देखो, अगर अभी तुम जिंक लेके नहीं आओगी तो ये जेडन क्या करेगा? अगर जिंक लेके नहीं आओगी तो ये ऑक्सीजन इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता, समझा? मतलब ऑक्सीडाइज करके फिर क्या करेगा, ये कैसे मतलब होगा क्या? ऑक्सीडाइज करके क्या होता है? अभी तुमने पीछे देखा था, देखो क्या होता है ऑक्सीडाइज करके। हाँ ये एक ओ ऐड हो जाता पीछे देखा ना, ऑक्सीडाइज है। होगा हाँ एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे तो एक ही ओ है, तो दोनों में वो कैसे ऐड हो रहा है? ओ नहीं, इसमें भी तो अभी वैसे ही। फिर तुमने प्रोजेक्ट वाला काम हाँ फिर स्टार्ट कर दिया क्या आकांक्षा? कौन सा प्रोजेक्ट? स्कूल प्रोजेक्ट चालू होते हैं ना तो स्लो होती है, फिर कर रही हो क्या स्कूल के प्रोजेक्ट पे काम? अच्छा नहीं वो बताया था ना, एक ही नहीं होता, वो वन मोल होता है ना? हाँ तो अगर आप जिंक लेके नहीं आओगे तो ये जो ऑक्सीजन निकला है वो ऑक्सीडाइज कर देगा, हाँ लेकिन अगर आप जिंक और H2O लेके आते हो तो जिंक इस ऑक्सीजन को क्या कर जाता है? खा जाता है और क्या बना लेता है? ZnOH2 ZnO। अच्छा प्रेसिपिटेट, समझा? हाँ इसलिए अगर आप जिंक लेते हो तो ऑक्सीडेशन रुक जाता है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन को जिंक कंज्यूम कर लेता है ना? हाँ ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये मतलब अटैच तो होगा, लेकिन ये कैसे अटैच हो रहा है? मतलब इसमें कोई पॉजिटिव वगैरह चार्ज नहीं है, तो फिर अभी किसमें? इन इससे जिंक से? नहीं, ये जो प्लस माइनस के बाद बॉन्ड फॉर्म है उसमें वो मतलब ओ पे माइनस आ जाएगा, वैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता था वैसे ही होगा क्या? ये माइनस प्लस बॉन्ड बना लेगा, ये पूछ रहे हो कि ये इसको ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, ये पूछ रहे हो? ऑक्सीडाइज कैसे करेगा?
वो स्टेप कैसा दिखेगा करते वक्त? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के स्टेप नहीं होते हैं, वो सीधा तुमको याद रखना पड़ेगा कि तुम्हारा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना लेता है, वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। कैसे इंट्रोड्यूस होता है वो जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा बता सको। ओ अच्छा, समझा। ये खाली ZN के साथ होगा या फिर कोई और मेटल होगा तो उसके ZN के साथ की जगह Mg भी यूज कर सकते हो, जो भी प्रेसिपिटेट बनाता हो MgOH twice। मतलब ये ZN, Mg, ये सारे CA, ये सब यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन और कुछ इसलिए यूज नहीं कर सकते, बाकी कोई मेटल लोगे तो हो सकता है उसकी कोई और प्रॉपर्टी भी हो सकती है ना। और प्रॉपर्टी किसी भी मेटल को हम ऐसे नहीं यूज कर सकते ना, तो हमें मेटल की सारी प्रॉपर्टी थोड़ी पता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ हाँ, तो सेफ साइड इसलिए जिंक और मैग्नीशियम है। ये नहीं कि मतलब तुम कोई भी मेटल यूज कर लोगे, मतलब जैसे जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने सारे मेटल्स को चेक करके एक फाइनल मेटल बताया होगा कि आप ये ले लो, समझ लो। अच्छा, तो आपको क्या यूज करना है, जिंक या मैग्नीशियम यूज कर सकते हो, ठीक हाँ, है। हाँ सर, ये नोट कर लेती हूँ, एक मिनट। हाँ सर, लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। इसके बाद लिखो हॉट KMnO4। ये रिएक्शन का नाम है या फिर इसी का सब टॉपिक है? नहीं, रिएक्शन का नाम है। हॉट KMnO4 कैसे यूज करते हैं, नेम रिएक्शन में लिखते जाओ ना जो लिख रहे हो। हाँ, हाँ सर। अच्छा देखो, अब देखो इसमें ध्यान देना है, तीन टाइप की रिएक्शन होती है। जैसे देखो यहीं पे डबल बॉन्ड सी एच है, ठीक है, और इस पे तुमने हॉट KMnO4 यूज कर लिया, ए सी ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हॉट KMnO4 इतना क्यों, मतलब हॉट के स्पेसिफिकली? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। दूसरा केस इसका क्या है कि अगर डबल बॉन्ड सी एच टू कहीं मिलेगा तो सी ओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और मान लो अगर ऐसी सिचुएशन मिली कहीं पे और हॉट KMnO4 लिया
नोट कर लो, फिर मैं बना के दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा ये, कि पहले नोट कर लो। हाँ, ये हॉट होना ही जरूरी क्यों है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे हॉट ही होते हैं, हॉट हीट करना पड़ता है, मतलब आपको हीटिंग रिक्वायर्ड होगी, समझा, ऑक्सीडाइज अच्छा, करने के लिए। ओके। हाँ सर, ये नोट कर लिया है। अब जैसे देखो, अगर मान लो ऐसा कोई रिएक्शन है CH3 CH CH2, इसमें हॉट के हमने 4 डाला, तो यहां से ब्रेक करो तो देखो CH कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COH, और CH2 कन्वर्ट हो जाएगा CO2, समझा। पीछे सीखा ना, ये CH2 इसमें मतलब ये O लग रहा है ना यहाँ पे, तो ये H का क्या हुआ? H2 जो था। अरे उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है ना, उसमें सीधा सा ये पैटर्न है, तुम्हें देखना उसमें, तुम मैकेनिज्म, तुम्हें इसका बताया थोड़ी गया कि कैसे बन रहा है, तुमको तो बस इतना सिखाया गया ना कि तुम CH2 के साथ हॉट के मिनो 4 लोगे तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाँ, तुम नहीं, एच मुझे रो लगा कि आप मैकेनिज्म ही बताने का ट्राई कर रहे, तो वो नहीं, समझा नहीं। उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मैकेनिज्म नहीं होता, ठीक है, हाँ उसको तुमको देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे हॉट के हमने 4 ट्रीट करोगे, तो फिर वैसे CH का सीखा है तुमने CH3 COH, और इसका हो जाता है, समझा। हाँ, मतलब एक एसिड तो बनेगा ही और दूसरा वो चीज बनेगा जो हमने वहां पैटर्न में लिखा हुआ है। हॉट के हमने 4 लिया है, प्रोडक्ट बताना
सर। बना लिया? हाँ बोलो, पहले अलग बोलो। एक तो CO2 बना है और दूसरा CH3 CH CH2 COOH। ठीक है, ऐसा नहीं बना मेरा। ऐसे तोड़ोगी ना तो हाँ समझा। हाँ और सेकंड वाले का क्या बना? सेकंड वाले में 2 टाइम्स OE CH3 दो तरफ। टू टाइम क्यों बना ना? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। हाँ यही बनाना। हाँ सर ये बना। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अगर एक कार्बन पे 2 COH है, ठीक है ना, अगर एक कार्बन पे 2 COH है, ठीक है, तो हाँ हीट करने पे CO2 निकल जाता है। ये कोई रिएक्शन का नाम है क्या? हाँ नहीं, जैसे होता है ना, एक कार्बन पे 2 OH होता है तो वाटर निकल जाता है ना, वैसे अच्छा ही एक कार्बन पे अगर 2 COH है तो CO2 निकल जाता, तो CO2 निकल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? CH3CO3CH। तो ये क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन। समझा? इसमें से ये जो COO निकल रहा है वो एक ही तरफ से निकलेगा ना? हाँ, हाँ अच्छा, अब देखो, हॉट के मैंने फोर का एक अगला केस क्या है? सर लिखना है। हाँ सर लिख लिया? ठीक हाँ लिख लिया। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होता है हॉट के एमनो फोर का? कि जैसे देखो, अगर एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, अब हाँ इसके ऊपर कितनी भी लंबी कार्बन की चेन लगा दो, कितनी भी लंबी, कुछ भी है, यहाँ पे मान लो ब्रांचिंग है, कैसा भी कुछ भी लगा दे, और अगर तुमने हॉट केमनो फोर से इसको ट्रीट किया, तो ये पूरा उड़ जाता है CO2 के फॉर्म में, और यहाँ पे बस बच जाता है COH। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 3 डिग्री कार्बन है, तो
तो हॉट केमनोफोर्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो यहाँ पे हर तरफ से कार्बन ही कार्बन है। देखो ये 3 डिग्री है, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो तुम हॉट केमनोफोर्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हॉट केमनोफोर लेते हो तो क्या होता है, अगर तुम हीटिंग करते रहोगे तो यहाँ से ये टूट जाता है और ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। नोट डाउन कर लो। ये एक एच का होना जरूरी क्यों है? ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन लगाते हैं ना। हाँ तो एच ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा ना। हाँ तो ये जब मतलब ये एलिमिनेशन कैसे हो रहा है मतलब हॉट के एमिनो फोर के प्रेजेंस में? देखो क्या हो रहा है, एक बार एनालिसिस करो मन में, आगे प्रोसेस देखो क्या हुआ है। इसमें एलिमिनेशन कैसे हो रहा है? एलिमिनेशन कैसे हो रहा है इसमें? यहां से टूटेगा पहले। हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, हाँ फिर यहां से एच प्लस निकलेगा। H प्लस अब बताओ क्या करना चाहते हो। ये जो CH3 है इनमें से कोई एक भी अपना हाइड्रोजन मतलब ये प्लस वाले को दे दे।
दोनों के चार्ज कैसे खत्म होंगे, जब यहाँ से H+ निकल के यहाँ चिपकेगा तभी ना, यहाँ से H+ निकालोगे यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस बॉन्ड बना लेगा। हाँ समझा? और मतलब मैं ये एलिमिनेशन क्यों ऐसा क्यों इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि ई टू तो हो नहीं रहा है, E1 ही है क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो अभी इसमें OH नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे ऐसे अलग कर रहे हैं? तो E1 E2 की बात ही, E1 E2 ही थोड़ी होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का E1 E2 ही केस है ना। हाँ एलिमिनेशन होने का मतलब क्या, कि यहां से H+ एलिमिनेट होके दूसरे पे अटैच हो जा रहा है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं हो रहा है। एलिमिनेशन का मतलब है कि H+ एक बार वापस से वो कहिए बीच में क्या कहा था। अच्छा, इस रिएक्शन को तुम क्या बोलोगी? अगर तुमको बोलने का मन है अपने हिसाब से, तो इस रिएक्शन का क्या नाम दोगी तुम बताओ? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्या नाम देना है इसको, बोलो। तीनों ही नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो फिर मतलब फिर ये रिएक्शन ही नहीं हो रही है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। नहीं, रिएक्शन तो हो रही है। हाँ, तो ज्यादा क्लोज ही है किसके है तीनों में। अगर इसको किसी एक क्लास में रखना है, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में, तो कहाँ रखना पसंद करोगी? ऐड तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, और सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो रहा है, एलिमिनेशन भी, लेकिन कैसे हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए आज सुबह कितने बजे उठी थी आकांक्षा? फिर 7:30। क्या क्या किया पूरे दिन?